We have our next speaker for the day, that is Dr. Khaja Khan, an MBBS, PGDS, sonologist, and president of an NGO. Ek bar se unka Very nice presentation, madam. Both of you. I have already started every Sunday pre diabetic and hypertension camp. सेंस लास्ट थ्री ईयर में मैडम माय मेन टॉपिक मेन प्रोजेक्ट इज़ दैट फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल थैंक्स टू डॉक्टर रुसेन सॉरी रुसेन सर रुसेन कुमार सर के ही हैव गिवन मी द चांस टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ ऑल मेनी एन एंड ऑल कॉरपोरेट्स मैडम मुझे ये जान के बहुत अच्छा लगा कि यहाँ आने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा नॉलेज बहुत एक स्टेप पे था एन के लिए यहाँ के प्रेजेंटेशन देख देख के ऐसा लगा और इंस्पिरेशन इतना मिला कि ऐसा लगता है कि अभी लाइफ में बहुत कुछ करना है एक्चुअल में मैडम सबने ये बताया है हमने ये किया है हमने वो किया है मैं शुरू वहाँ से करूँगा कि आपने एन क्यों बनाई है वो भी इम्पोर्टेंट है मैडम तो प्रोफेशनली जैसा सरुसैन सर ने कहा है के डिग्री के एक लिमिटेशंस होते हैं हम उसमें उतना ही काम कर सकते हैं उसके आगे जाके हम काम नहीं कर सकते और सच में एक प्रोफेशन को हट के भी मैं काम करके देखा हूँ तो इतना नाम एक डॉक्टर में नहीं हुआ जितना एक एनजीओ के प्रेसिडेंट में हुआ है सर तो मैडम ये मेरे एन की शुरुआत दो में हुई है जबकि मेन रीज़न है मैडम इसका यू नो एज़ ए गैनिकोलॉजिस्ट फेमस आवर बीज डिस्ट्रिक्ट फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन बिफोर बर्थ यू नो वेरी वेल जिस तरह से गांधी सर ने कहा है कि सबसे ज़्यादा हत्याएँ आत, आत्महत्याएँ जो हुई है फार्मर्स को लेकर तो वैसा मेरा मानना है कि हमारे महाराष्ट्र में अगर चाइल्ड सेक्स जो गर्ल की हत्या हुई है तो वो है सर बील डिस्ट्रिक्ट यू you नो know, मैडम दे बहुत कपल्स आर इन जेल ऑल्सो लेकिन सर बड़ी दुख की बात है कि एक डॉक्टर होते हुए भी कुछ ऐसा सुनने में आया था सर कि मैडम फिटस को कुत्तों को खिलाया जाता था आपने सुने होंगे मैडम और एक ऐसे ही गुजरात की न्यूज़ है कि जहाँ पे बोरवेल के अंदर फिटस के पार्ट्स रखे गए थे सारे अबॉर्शंस होते थे वहीं पे और सारे पार्ट्स उसके बोरवेल्स के अंदर कई सालों से चला आ रहा था सिलसिला जब रेड गिरी और पकड़े गए तो तब जाके मालूम हुआ तो मैडम बेसिकली मेरी एन ये सब देखा मैंने कि मतलब सोनोलॉजिस्ट को गायनिकोलॉजिस्ट को मतलब कितने मतलब शर्म की बात है मैडम कुछ ऐसे लोगों की वजह से हम जैसे तकरीबन डॉक्टर्स तकरीबन सोनोलॉजिस्ट इसमें बदनाम हो जाते हैं तो मैंने ये निर्णय लिया है मैडम कि अलोन एक खुद इस पर तो कुछ नहीं कर सकते हम तो एक एनजीओ फॉर्म किया है मैडम with the help of that ngo my more work and my more concentration on SEO girl child movement madam with the help of our ngo we are doing so many awareness programs at nursing schools medical colleges and even madam hospitals and even sonography centers marketplaces and even schools 7th 8th classes because abhi uh, aapne bataya कि डायबिटीज़ के लिए बच्चों को एडोलेसेंट एज में ही अगर हम बताएंगे तो उनको पता चलेगा डायबिटीज़ क्या है तो इसलिए मैडम हम हर स्कूल में जाकर उन्हें बताते हैं कि आप अभी से ध्यान में रखिए आपके आसपास भी अगर कहीं ये विषय चल रहा है या कोई डॉक्टर इस तरह के एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो रहा है तो इन्फॉर्म कीजिए उनके सामने टोल फ्री नंबर के बारे में भी ऐड करते हैं मैडम हम लोग इस पर हम बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं और ज़्यादा वक्त ना लेते हुए ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वक्त हो चुका है और वंस अगेन बहुत बहुत थैंक्स रुसेन सर जो आपने मुझे मौका दिया है मैडम थैंक यू